नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जीमेल पे इम्पोर्टेंट का ऑप्शन क्यों दिया गया रहता है और उसको कैसे यूज करते हैं और उसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जीमेल ऐप को ओपन करना है। तो चलिए जीमेल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अपने जीमेल पर है और यहाँ पर जीमेल पे बहुत सारा मैसेज आया हुआ है। अगर आपको लगता है कि हमको यह मैसेज हमारा इम्पोर्टेंट है, इस मैसेज को हम बाद में पढ़ें या इसको हम इसको सुरक्षित रखें, इसको सेव करके रखें जो कि बाद में ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं हो, तो इसके लिए जीमेल पे एक इम्पोर्टेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए उसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जिस भी मैसेज या मेल को इम्पोर्टेंट करना है, आपको उस मैसेज या मेल को आपको थोड़ा देर लॉन्ग प्रेस करना है, थोड़ा देर दबा कर रखना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर में आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मार्क इम्पोर्टेंट का ऑप्शन मिलेगा, अब आपको इस पर टिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से जो आपका मैसेज है वह मेक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद अब आपको इस थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक जीमेल में एक इम्पोर्टेंट का सेक्शन दिया गया है, अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी मैसेज को यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन में डाले होंगे दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इस मैसेज को हम इम्पोर्टेंट में डाले थे, तो यहाँ पर दिख रहा है। अब इस मैसेज को अगर आप इस यहाँ से इम्पोर्टेंट से हटाना चाहते हैं तो इस पर आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पर दबा के रख देना है। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मेक नॉट इम्पोर्टेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से वो मैसेज रिमूव हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि जीमेल पे इम्पोर्टेंट का ऑप्शन क्यों दिया गया रहता है और उसको कैसे यूज करते हैं और उसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।